यारे बच्चों, पिछली बार कक्षा 6 का साइंस में सोर्स ऑफ फूड चैप्टर का पहला पेज बढ़ाया गया था। आज इसे आगे पढ़ना है। पेज नंबर 6, सोर्स ऑफ फूड, भोजन स्रोत। वी गेट फूड आइटम्स मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल। हम भोजन को प्राप्त करते हैं मुख्यतः दो स्रोतों से, प्लांट्स से और जंतुओं से, पौधों से और जंतुओं से। आज मैं आपको प्लांट्स से मिलने वाले भोजन के बारे में पढ़ाऊंगा। फूड फ्रॉम प्लांट्स, भोजन पौधों से भोजन। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, सेल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग भागों से, पौधे के अलग अलग भागों से आर यूज्ड एज फूड, भोजन रूप में प्रयोग करते हैं। सेल्स गेहूं, वेजिटेबल्स सब्जियां, पल्सेस दाल एंड फ्रूट्स आर ऑब्टेन्ड और फल प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, अलग अलग भागों से पौधे के। लेट अस क्लासिफाई द प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। द प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, पौधे द्वारा दिए जाने वाले भोजन के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। नंबर वन, फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, भोजन उत्पन्न करने वाले पौधे। सीरियल्स जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ले एट्सेट्रा, गेहूं, चावल, मक्का और जौ आदि। पल्सिस दालों में जो हैं मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, पीज, मटर, लोबिया आदि। वेजिटेबल सब्जी एंड फ्रूट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज प्लांट्स। सब्जियां और फल प्राप्त किए जाते हैं इन पौधों से। देखिए, ये सीरियल्स हैं, गेहूं हैं, ये पल्सीज हैं दालें, ये वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, है ना। अब देखिए आप, नंबर सेकंड, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जो ऑयल देते हैं कौन से हैं। गार्डनट, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, पीनट, मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर आदि आर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऑयल पैदा करने वाले प्लांट्स हैं। नंबर थर्ड, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मिर्च मसाले उत्पन्न करने वाले पौधे। क्लोज ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, सिनेमोन, कार्डमोन, टर्मरिक, कुमिन सीड्स एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज प्लांट्स। लौंग, क्लोज वन लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कोरिएंडर धनिया, सिनेमोन दालचीनी, कार्डमोम इलायची, टर्मरिक हल्दी,
कुमिन, जीरा आदि आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज प्लांट्स, इन पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, चीनी उत्पन्न करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? शुगर आर, शुगर कैन एंड बीट रूट, गन्ना और चुकंदर आर शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, शुगर चीनी बनाने वाले प्लांट्स हैं। नंबर फाइव, बेवरेज प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, पेय योग्य पदार्थ प्लांट्स कौन कौन से हैं जो हमें जो हैं पेय पदार्थ उत्पादक पौधे होते हैं जो पेय पदार्थ प्राप्त करते हैं। कॉफी एंड टी आर कॉमनली यूज बेवरेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स, कॉफी और टी जो हैं पेय उत्पादक पौधों से प्राप्त होते हैं। लर्न मोर हुई है एक केमिकल कॉल्ड टर्मिन टर्मरिक हैव एंटी कैंसर कैंसरियस प्रॉपर्टीज, हल्दी की उपस्थिति रसायन में कैंसर प्रतिरोधी विशेषताएं रखती है। चलिए बात करते हैं आगे, फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के अलग अलग भागों द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ। तो पहले नंबर दिया हुआ रूट्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स जड़े प्लांट्स की लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, पोटैटो, बीटरूट एक्सेट्रा, यानी गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद और चुकंदर आदि जो हैं ये रूट्स हैं जो खाई जाती हैं, जड़ें हैं। स्टेम्स तना, तने में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं? स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक शुगर कैन, पोटैटो, आलू, ऑनियन, प्याज, गार्लिक और जिंजर, लहसुन और अदरक आदि। लीव्स पत्तियां खाई जाती हैं, देखिए पत्तियां कहाँ से मिलती हैं खाने वाली? लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्पिनेच यानी पालक, लेटस, कोरिंडर, मिंट, बासिल, कैबेज, टी आदि। लीव जो है आपका स्नैच, पालक, लेट सलाद, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना, बसिल, तुलसी, कैबेज, बंद गोभी और टी चाय एक्सेट्रा। फ्लावर्स में आ जाइए, कौन से फ्लावर्स खाए जाते हैं? फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली यानी कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और ब्रोकली खाई जाती है। इसके बाद में आइए सीड्स लगा क्या खाते हैं हम बीजों में? सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड एज सीरियल्स, अनाज लाइक व्हीट, गेहूं, राइस, मेज, चावल और मेज, मक्का आदि। पल्सिस दलिया खाते हैं दालों में, पल्सिस लाइक मूंग और अरहर, उड़द,
एंड स्पाइसेस मसालों में खाते हैं हम कुमिन, जीरा, पेपर, काली मिर्च, कार्डमोम, इलायची और ऑयल सीड्स में मटर, सरसों, सोयाबीन और ग्राउंडनट, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स इट इज यूज फॉर गेटिंग ऑयल। तेल आप करने के लिए इनका प्रयोग। बर्ड्स मीन्स कलियां। बर्ड्स ऑफ प्लांट्स लाइक क्लोव्स आर यूज एज स्पाइसेस। मसालों में प्रयोग करते हैं हम लौंग का, एक फूल होता है, यूज इन मेडिसिन और ये मेडिसिन में प्रयोग होता है। फ्रूट्स, फल, ऑल द फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स लाइक ओकरा, भिंडी, लंबी भिंडी होती है, ब्रिंजल, बैंगन, टमाटो आदि। बार्क एंड लेटेक्स। बार्क मीन्स होता है छाल और लेटेक्स माने होता है गाढ़ा द्रव, जैसे मोम निकलता है ना इस प्रकार से। तो सिनेमोन दालचीनी इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क, छाल से, और पेड़ की छाल होती है दालचीनी। एंड एसोफिटा यानी हींग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स, गाढ़ा द्रव से, पेड़ के गाढ़ा द्रव से जो है हींग प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।